वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको टोमेटो के कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ और इसका यूज़ हमें अपनी स्किन पर कैसे करना है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टोमेटो जो होता है वो विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है जो आपके चेहरे पर कमाल कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यह हमारी किचन में इजीली मिल जाता है और इसे हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए टोमेटो के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको आज कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। यह हमारी स्किन की जो ऑयलीनेस होती है उसको कम करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, स्किन में ऑयलीनेस को कम करने के लिए टमाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। अब हमें स्किन की ऑयलीनेस को कम करने के लिए इसको यूज़ कैसे करना है ये हम जानते हैं। टमाटर को आपको आधा काट लेना है, फिर इस आधे हिस्से को अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से रब करना है, यानी कि घिसना है, मलना है। फिर 10 से 15 मिनट जब हो जाए तब आपको साफ पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसका जो सेकंड बेनिफिट है यह पिंपल को आने से रोकता है। पिंपल एक बहुत ही नॉर्मल स्किन डिसऑर्डर है जो किसी भी एज वाले ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये हमारी स्किन में जो फंसी गंदगी होती है या बैक्टीरियाज होते हैं इसकी वजह से पिंपल निकलते हैं। टमाटर जो होता है उसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी पीएच लेवल को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आपको टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें लेनी है और टमाटर का गूदा निकाल लेना है। उस गूदे में टी ट्री ऑयल की बूंदों को मिलाकर आपको अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। 10 से 15 मिनट्स बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। जब कभी आपको सनटैनिंग हो जाती है तो टमाटर में पाए जाने वाला जो केमिकल लाइकोपिन होता है वो आपको यूवी लाइट के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बड़े चम्मच सादा जो दही होता है उस पर आधा घिसा हुआ टमाटर मिला लेना है और 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने देना है, फिर साफ पानी से वॉश कर लेना है। कई कारणों से आपके चेहरे पर फाइन लाइंस, एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्किल दिखाई देते हैं। इससे जो आपकी स्किन होती है वो काफ़ी डल लगने लगती है। टमाटर में विटामिन बी की मात्रा बहुत अधिक होती है। टमाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग से बचाती है, स्किन को हेल्दी रखती है। इसके लिए आपको क्या करना है, हनी लेना है और टोमेटो जूस लेना है। इसको आपको मिक्स करके पेस्ट बना लेना है और अपने फेस पर लगा लेना है और ग्लोइंग स्किन के लिए आपको 15 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लेना है। टोमेटो अपनी स्किन पर यूज़ करने से स्किन जो होती है वो एक्सफोलिएट होती है और जो डेड सेल्स हो जाती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। इससे हमारी स्किन की जो डलनेस होती है वो दूर हो जाती है। एक्सफोलिएशन पोर्स को डीप क्लीन करता है जिससे हमारी स्किन हेल्दी होती है और अंदर से ग्लो करती है। ये डार्क स्पॉट को भी हल्का करता है। टोमेटो से जो हाइड्रेशन मिलता है उससे हमारी स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनती है। अब हम ये जानते हैं कि टोमेटो को यूज़ करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। अगर आपको टोमेटो लगाने से किसी भी प्रकार की स्किन में इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, तो आपको उसी टाइम टोमेटो का यूज़ करना बंद कर देना है। जब भी आप कोई पैक बनाएं तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें जिससे आपको स्किन में होने वाले किसी भी तरीके के रिएक्शन से बचाया जा सके। आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोमेटो के कुछ बेनिफिट्स बताए, इसका यूज़ बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बाय बाय।